तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र गोवा और मेरे साथ हैं सैयद फिरोज सर। और आज हम आपको एक कमाल की चीज दिखाएंगे, हमारा जो नया लैब है। थोड़ा सा आइए, ये हमारा आईफोन का लैब है। फिरोज सर दिखाइए यहाँ पर, न्यू लैब हमारा आईफोन का। ये हमारी आईफोन की लैब है और यहाँ पर आप इसे टेलीकॉम एंटर कर चुका है आईफोन की टीचिंग में। और यहाँ पर हम आपको देंगे सबसे बेस्ट यहाँ पर इंडिया में, और जो हमारे फ्रेशर स्टूडेंट के लिए भी होगा और जो हमारे उन्हीं भाइयों के लिए होगा जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जो छोटी छोटी आई सी यूट्यूब या ऑडियो या टच आई सी निकाल रहे हैं, जो माइक्रो जम्पिंग कर रहे हैं, पर सीपीयू में जिनका हाथ तंग है, जो सीपीयू में डर रहे हैं, जो सीपीयू निकालने के बाद भी उसको हीटिंग कर दे रहे हैं, फोन को डेड कर दे रहे हैं, या जिनको स्वैपिंग नहीं आती है। स्वैपिंग यहाँ पे 5 out of 3 गारंटी देता है इसे टेलीकॉम, क्योंकि वैसे ही हमारा बहुत नाम है, हमारे फीडबैक बहुत अच्छे हैं और हम अपना हमेशा अच्छा ही रिव्यू देते आए हैं और रिव्यू के साथ हम प्रैक्टिकल देते हैं। सो हमारा जो पहला बैच बनेगा हम उसका भी आपको पहला प्रैक्टिकल देंगे। हम स्टूडेंट से पूछेंगे नहीं कि आपने क्या किया, हम उससे करवाएंगे। सो यहाँ पर हमारे 15 दिन का बैच बनेगा और यहाँ पर हम जो फ्रेशर स्टूडेंट के लिए हमने 3 कोर्स रखे हुए हैं, तो सारे कोर्स की जानकारी आपको दूंगा। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ हमारे जो एप्पल के ट्रेनर है सैयद सर। भाई सैयद सर, आप कितने साल से एक्सपीरियंस है इस फील्ड में?
मैं तो 15 साल से एक्सपीरियंस में हूँ। 15 साल से सैयद सर इस फील्ड में एक्सपीरियंस है, ऑलरेडी काम कर रहे हैं। सर ये आईफोन कितने साल से है? 6 से 7 साल हो गए आईफोन। और 15 साल से मतलब आप कौन से शुरू से मोबाइल से आप काम करते आ रहे हैं? 1100 उसमें कैसे काम आते थे जो आप करते थे? उसमें तो बहुत से काम आते हैं, जैसे कि उसमें रैम होने के बाद रैम भी चेंज होता था, सीपीयू रिपोर्टिंग, जो कि नॉर्मल लोग कर नहीं पाते थे। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सैयद सर जो काम करते हैं वो डीलर लोगों का काम करते हैं, मतलब जो लोग या तो लाइट आईसी को उल्टा लगा के डेड कर दिया, जिसमें 1.8 एचडी रैम की लाइन जब हो जाती है तो उसमें रैम निकाल के हमको उसको रिप्लेस करना होता है, या जो फॉल्ट फाइंडिंग होती है आईफोन एक्स की। आपने एक फोन बनाया था, आपने अभी एक आपके पास स्क्रीनशॉट है, तो स्क्रीनशॉट जरा दिखाएंगे अपने फोन में, एक बार पास लाइए। आपने कल ही का आपका काम ये देखिए थोड़ा सा। देखिए दोस्तों, अभी हम आपको अपने सैयद सर के बहुत सारे पोस्ट हम आपको शेयर करने वाले हैं यहाँ पर। बताइए सर, आपने क्या किया था, क्या आया था इसमें? इसके अंदर एक डीलर ने स्क्रू होल कर दिया था, उसकी वजह से ये फोन में कैमरा और फेस आईडी नहीं चल रही थी। इसके दूसरा कोई सोल्यूशन नहीं, इसका एक ही सोल्यूशन है जिसमें आपको स्वाइप करना होगा, और इसमें हमने स्वाइप किया। तो सर इसमें हमने लोअर बोर्ड स्वाइप किया कि कौन सा बोर्ड? अपर बोर्ड, जिसमें सीपीयू हार्ड डिस्क और I2C EEPROM लगी हुई रहती है, तो हमने उसको स्वाइप किया। हाँ। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर सर आपको स्वाइपिंग करना सिखाएंगे, फॉल्ट फाइंडिंग सिखाएंगे, जिसमें मैं भी आपके साथ क्लास में रहूंगा, बेसिक के साथ में एडवांस हम आपको देने वाले हैं, और ये आपको गजब एक्सपीरियंस होने वाला है। सबसे अच्छी बात कि हमारी जो फीस स्ट्रक्चर है वो इंडिया में सबसे कम है, जो कि बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं, जो हमारे भाई हैं, जो हमारे जो पुराने स्टूडेंट हैं, उनके पास आज की डेट में बहुत सारे पैसे नहीं होते हैं, वो 50-70-80 हजार रुपए वो कहां से ला नहीं पाते हैं, और वो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से फिर वो डीलर लोग का फोन लेते हैं, मतलब जो कस्टमरों से फोन लेते हैं और वो फिर खराब कर देते हैं, क्योंकि उनके पास में बड़े पैसे नहीं होते। तो इसलिए हमने एक छोटी फीस स्ट्रक्चर रखी है। तो एक बार ज्वाइन जरूर कीजिएगा, डेमो क्लासेस लीजिए हमारे फ्री में, आपको कुछ नहीं देना है। एक दिन के डेमो क्लास में अगर आप नहीं रुके तो आप मेरा नाम चेंज कर देना, देवता अग्रवाल, या तो आप चेंज कर देना इसे टेलीकॉम का नाम। और हमारे 15 दिन में हम आपको जो बेस्ट देने वाले हैं वो आप बस एक्सपीरियंस करना। और हमारा जो बैच स्टार्ट होने वाला है दोस्तों, मैं आपको बता दूं ये होने वाला 15 फरवरी से। हमारे नीचे नंबर है, आप अगर इसको देखना, अगर आप एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, आना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल आइए। मैं आपसे बोला, अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़े भी हैं और आप आईफोन का काम सीख भी चुके हैं फिर भी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हमारे पास आइए, एक बार मौका दीजिए। हमारा फीस स्ट्रक्चर बहुत कम है और आपको हम बेस्ट देंगे, लाइव बोर्ड में देंगे, बोर्ड का भी पैसा हम आपसे नहीं लेंगे। तो यहाँ पे आपको लाइव बोर्ड में काम कराया जाएगा आपसे, जो हमारा फीस स्ट्रक्चर है उस पर एक वीडियो मैं बनाऊंगा, बहुत जल्द आएगा, तो उसके लिए थोड़ा वेट कीजिए। तो यहाँ पे सही सर, आप क्या दिखाने वाले हैं आज, आप क्या बताने वाले हैं? आज दिखाने वाले एरर 9, जो आईट्यून्स पे एरर 9 आ जाता है, और आईट्यून्स पे एरर 9 आते हैं और 302 पे 20 भी जाता है ना, इसमें हार्ड डिस्क ऑफ नहीं इसमें है। तो ये ज्यादातर जो लोग कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, वो ज्यादातर किस पे काम कर देते हैं? ज्यादा करके हार्ड डिस्क पे काम कर लेते हैं एरर 9 की वजह से, पर वो हार्ड डिस्क ऑफ नहीं होता है, वो एक हार्डवेयर का फॉल्ट होता है, हार्डवेयर का फॉल्ट होता है जिसमें आईट्यून्स लाइन में मिसिंग होती है, उसको चेक करना है सबसे पहले। तो आपको ZXW और वूजिंग आपको पूरा हम आपको सारा चेक कराएंगे, हाई एंड लैब हमने यहाँ पे बना रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर हम आपको सारे स्टूडेंट को हम ये वाली मशीन नहीं देंगे, मैं पहले बता रहा हूँ, ये सिर्फ टेम्पररी हमने लगाई है। हम अपने सारे स्टूडेंट को हाई एंड इक्विपमेंट प्रोवाइड कराएंगे 867DW, और इस पर भी बहुत एक बेसिक रिव्यू मैं आपको देने वाला हूं। तो और इसके साथ अभी हमारे सैयद सर के बहुत सारे वीडियो हम आपको लाएंगे, जिसमें हम आपको मिनिमम मिनट में आपको स्वैपिंग हम आप सैयद सर आपको बताएंगे, और भी कुछ ऐसे सोल्यूशन है जो हार्ड कोर सोल्यूशन है, बट आपका काम यह है कि अपनी हैंड स्किल को बढ़ाएं, और अगर आपको नॉलेज नहीं है तो स्कीमेटिक आप नॉलेज बढ़ाएं, और कहां वोल्टेज आते हैं, क्या GR होता है, सारी चीज आपको एक्सप्लेन करने के लिए हम यहां बैठे हैं। तो एक बार इसे टेलीकॉम जरूर विजिट करें, थैंक यू वेरी मच। तो देखिए जैसे कि दोस्तों यहाँ पर हमने आईट्यून, यहाँ पर हमने 3U टूल कनेक्ट किया हुआ, आप देखिए ऊपर टीवी में। सो थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे जरा सैयद सर, आप क्या है ये? हाँ, ये एरर 9 है जो 20 पे जाके नॉट डेटा पे अटक गया है, जो हार्ड डिस्क करने के बावजूद भी इस पे रुका है, इसमें हार्ड डिस्क का फोल्ड नहीं है। बहुत से टेक्नीशियन लोग जो हार्ड डिस्क करते हैं पर वो हार्ड डिस्क का फोल्ड नहीं है, इसमें EEPROM चेक करनी पड़ेगी सबसे पहले। EEPROM चेक करने के लिए हमको ZXW का भी इस्तेमाल करना होगा, और उसमें रीडिंग बताएगी अगर EEPROM का प्रॉब्लम होगा तो कितनी रीडिंग आएगी, और नहीं होगा तो कितनी रीडिंग आएगी। और ये हमको यूज किससे करना पड़ेगा सही है सर? ये मीटर को डायोड मोड पे रखना है। और ये कौन सा मल्टीमीटर यूज कर रहे हैं? आपका मल्टीमीटर है, उसमें डायोड फंक्शन में जाना है, उसमें रीडिंग चेक करना है कितनी रीडिंग आती है। और हम इसमें यहाँ पर सारे एरर्स बताने वाले हैं, यहाँ पर सारे एरर्स बताने वाले हैं कि 19 पे रुकता है तो
क्या मतलब होगा, अगर डीयूसी में जा रहे तो क्या प्रॉब्लम है, रिकवरी में जा रहे तो क्या प्रॉब्लम है, नॉर्मल में जा रहे तो क्या प्रॉब्लम है, और 20 तक जाते हैं तो क्या प्रॉब्लम है, जितनी भी एरर इसके बारे में 11 में जा रहा है तो क्या प्रॉब्लम है, और यही चीज हम आईट्यून में बताने वाले हैं। आईट्यून में यही सारे एरर्स हैं, आईट्यून में कौन से एरर है, और ये हम आईफोन एक्स और एक्स मैक्स तक बताने वाले हैं, A12 तक बताने वाले, जो स्वैपिंग भी हम सिखाएंगे वो A8 से A12 तक सिखाएंगे। और यहाँ पे हम क्या कुछ खास यहाँ स्टूडेंट को दे सकते हैं जो और जगह हमें शायद ना मिले या जो लैक ऑफ हो रहा हो, क्या खास दे सकते हैं हम यहाँ पे? हम सबको मेन तो सबको सपोर्ट दे सकते हैं, बिल्कुल सपोर्ट, सबसे बेस्ट और बेस्ट सपोर्ट है, सपोर्ट है यहाँ तो कहीं मिल नहीं रहा सपोर्ट है तो कहीं मिल नहीं रहा है, और इनसे अच्छा कौन जानेगा, क्योंकि एप्पल में 6 सालों से है, मतलब एप्पल में कौन सा फोन से है, मतलब आपसे बनाने से चालू किया था यहाँ पर? मैंने तो एप्पल का 3G से फोन से चालू किया था बनाने का, 3G के बाद जितने भी फोन आए वो सब बनाए। उसके क्या क्या मतलब आते थे, फॉल्ट 4, 4S5 वाईफाई के आते थे, नेटवर्क के आते थे, चार्जिंग स्टोर, टेम्परेचर एरर आती थी 4 में जो कोई नहीं बना पाता था जल्दी। अभी हार्डली आईफोन एक्स में क्या फॉल्ट आ रहे हैं जस्ट जल्दी? आईफोन एट में ज्यादा करके VCC मेन शॉर्ट आते हैं, ड्रॉप के जो बेसबैंड नहीं आते उड़ जाते हैं, वाईफाई नहीं चलता है, ये केस बहुत आ रहे हैं, टच नहीं चलता है वो केस बहुत आ रहे हैं, इसके लेयर में बहुत सी प्रॉब्लम आ रही है। जो जो आपने ये एक्सपीरियंस, क्योंकि आप डीलर लोगों के फोन बनाते हो, सो आपने क्या एक्सपीरियंस किया कि डीलर लोग क्या क्या नॉलेज नहीं है, उसके बिना भी काम कर रहे हैं, वो क्या फोल्ड कर ले रहे हैं? डीलर लोग बहुत से किसी को प्रॉब्लम नहीं है वो ज्यादा करके पहले तो हिट मार देते हैं, हिट मार के आधा बोर्ड तो ऐसे डैमेज कर देते हैं, और जो गलत स्क्रू लगा देते हैं, जहाँ पे स्क्रू नहीं लगने चाहिए वहाँ स्क्रू लगा देते हैं, इसके वजह से बहुत प्रॉब्लम आ रही है। मतलब आप देख रहे हैं, और वो जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं आईफोन पे, ऑलरेडी आईफोन पे ट्रेनिंग लेकर आए हैं कहीं से, उसके बाद भी वो इतना काम नहीं समझ पा रहे हैं, फोल्ड फाइंडिंग किसी को नहीं समझ पा रहा, जो मेन सबसे ज्यादा फोल्ड फाइंडिंग है। सो जैसे कि एक मैं आपको केस बताना चाहता हूँ, एक बहुत भी बड़े जो इंडिया के जाने माने यहाँ पे ट्रेनर है, आईफोन 6 प्लस एक चार्जिंग का आया था जो नहीं, क्या फॉल्ट था उसमें, नहीं बन पाया, नहीं बन पाया था उसमें, बैटरी 60-70 तक जाकर रिटर्न आ जा रहा था। तो उसने सारी आईसीएन चेंज कर दिया, पर उसके जीआर चेंज नहीं किया, जो जीआर क्या है वो भी आपको बताना है, जीआर बताएंगे, इवन वोल्टेज बताएंगे किस पर वोल्टेज है, और जीआर की कौन सी सप्लाई किधर जाती है, ये सब हम आपको बहुत डिटेलिंग करके बताएंगे दोस्तों। और फिंगरप्रिंट हो गया, फिंगरप्रिंट जो आई ऐसा होता है उसको किस तरह से जेबीसी का क्या इक्विपमेंट है, कैसे यूज करना है, वो सारी चीज हम आपको यहाँ पे बहुत प्रॉपरली तरीके से बताएंगे। और बहुत समय दोस्तों, एक चीज खास बात में बताना चाहता हूँ कि यहाँ आईफोन की क्लास में अगर आप 15 दिन में आपको कोई डाउट रहा तो आप क्या कर सकते हैं, वापस रिपीट आ सकते हैं। बिल्कुल, नहीं चलता। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख रहे हैं 22% हो गया, तो दोस्तों यहाँ पे हम थोड़ा यहाँ पे पॉज कर रहे हैं, और जैसे ही यहाँ पे 99 आता है, 90 आता है, तब हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे अपना हमारा मोबाइल फोन ऑन करते हुए, ये चीज वीडियो में आ गया। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा पूरा फ्लैश हो गया है, ये वीडियो में हम ले नहीं पाए, पर हम आपको दिखा देते हैं, चलिए। तो ये पूरा यहाँ पर वीडियो कट गया है, क्योंकि यहाँ पे हम पूरा फ्लैश दिखाना चाहते थे, पर वो एकदम से सारी चीज फ्लैश में आ गई है। So, ये वीडियो मैं आपको बता रहा हूं, हम अपने पर्सनल स्टूडेंट से ही करवाएंगे, और एक वीडियो हम एरोनाइन स्टूडेंट से देंगे पहले ही बैच में, आप देखिएगा, जो पूरे किसी इंस्टीट्यूट नहीं दे पाते, लोग अपने इंस्टीट्यूट के बारे में नहीं बता पाते, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम अपने स्टूडेंट को जो सिखा रहे हैं वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, सिर्फ वो आने और जाने की बात हो जाती है बस। हाँ, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये हमारे सीपीयू A8 के ऊपर ये जो जम्पर आपको दिख रहा होगा, देखिए सिर भाई, आप सैयद सर यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन शो हो रही है, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे आप? यहाँ पे हो रही है IMEI नंबर, सीरियल नंबर, और एक्टिवेट है या नहीं ये भी चेक कर सकते हैं। एक्टिवेट से क्या पता चलता है सैयद सर? फोन पूरा ऑन हो रहा है या इसमें और भी कोई दिक्कत है? और जो एक्टिवेशन एक एरर आती है फोन में, बहुत एरर आती है, उनके भी क्या सोल्यूशन है वो हम बताएंगे। बिल्कुल, तो दोस्तों जैसे कि आप देख लीजिएगा, अभी हमने एक्टिवेट पे किया था, तो सही है सर यहाँ पे क्या आना चाहिए? यहाँ पे एक्टिवेट आ जाना चाहिए, एक्टिवेट आईक्लाउड आईडी आनी चाहिए, आईक्लाउड आईडी आनी चाहिए, अगर नहीं आ रही है तो फिर इसका मतलब ये है कि इसमें एक्टिवेशन का एरर आएगा, फोन चालू तो होगा पर एक्टिवेट नहीं होगा, तो इसको एक बार ऑन करते हैं हम यहाँ पर। सो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसा आपको कैसा लगा इनका एक अनुभव, और आप बताइएगा, एक्सपीरियंस हो कीजिएगा, हम इसके अभी और भी वीडियो डालेंगे, जिसमें हम एक सीपीयू का एक वीडियो डालने वाले हैं हमारे सैयद सर का,
और भी हम यहाँ पे आपको चीजें यहाँ पर देने वाले हैं, पर हम यहाँ पर जो देंगे वो स्टूडेंट को देंगे दोस्तों। खास तौर पे यहाँ पर हम आपको जो प्रोवाइड कराने वाले क्वालिटी वर्क और एक टाइम के साथ। और हम ये भी कहते हैं आपको कि अगर आप यहाँ पे 15 दिन के मैंने सीखे तो आप नेक्स्ट 15 दिन फिर से आइए वापस, उसके नेक्स्ट 15 दिन फिर से आइए यहाँ पे वापस। सो यहाँ पे 15 दिन का आप वापस आइए, दोबारा आइए, आपको कोई फीस नहीं लगेगी यहाँ पर। यही हमारे सारे स्टूडेंट ईएमसी में भी हम जिसको लगता है कि जाने के बाद पहले काम करना चाहिए, 2-3 महीने काम करने के बाद में जहां भी वो अटकेंगे तो वापस यहाँ पर आकर वो कोर्स कर सकते हैं, लेकिन हमसे पहले कांटेक्ट करना होगा उसके। बिल्कुल, यहाँ पर ये जो एक्सपीरियंस हम आपको आपको दे रहे हैं टीचर का, ये दोस्तों ये 1-2 साल के सीखे हुए नहीं है, ये कोई चाइनीज से सीख कर नहीं आया 2-3 साल से और यहाँ पे काम कर रहे हैं। ये 3S जो iPhone 3S जब iPhone की शुरुआत हुई थी तब से यहाँ पे काम कर रहे हैं और 15 साल से इनका एक्सपीरियंस है। जब आप नोकिया के फोन आते थे तो उसमें से रैम निकाल के ये उस पर काम करते थे, तब भी डीलर का काम करते थे और आज भी डीलर का काम करते हैं। और आपको एक अच्छी बात है कि यहाँ पर आपको जो दुकानों में फॉल्ट आ रहे हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि हम यहाँ ऐसे टेलीकॉम में जो हमारे आसपास की जो दुकान है वहां से हमें बहुत से फोन बदलने को आते हैं, और जहाँ जो आपको हमारे सैयद सर बिल्कुल प्रैक्टिकल आपको परफॉर्म करके दिखाएंगे और उससे आपको पता चलेगा कि क्या क्या नया नए एरर अभी मार्केट में चल रहे हैं। सो आप जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर पूरा वीडियो मैं आपको दिखाना इसलिए चाहता हूं क्योंकि हम मैं नहीं चाहता कि कोई कमेंट इस तरह का आएगा भी। दोस्तों समझते हैं नेगेटिव पॉजिटिव सब तरह के लोग होते हैं और हम किसी को हाथ रोक नहीं सकते, बट पूरा वीडियो आपको दिखाते हैं कि फोन पूरा कंप्लीटली ऑन होने होम स्क्रीन हमारी आ रही है कि नहीं आ रही है, आप पूरा देखिएगा दोस्तों। ये हम स्क्रीन आपको यहाँ पे लाके आपको दिखा रहे हैं आईक्लाउड तक, क्योंकि हो सकता है ये हमारा आईक्लाउड बोर्ड है और ये हमारा जो आईक्लाउड बोर्ड है तो ये जो हमारा बोर्ड है, सो ये बोर्ड हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं लाइव बोर्ड लगे ना लाइव बोर्ड हम आपको देने वाले हैं स्टूडेंट को, हर स्टूडेंट को लाइव बोर्ड हम एशिया टेलीकॉम की तरफ से आपको देंगे। पहले हम आपको पूरा ट्रेन करेंगे उसके बाद लाइव बोर्ड देंगे, 5 out of 3 स्वैपिंग हम यहाँ पर गारंटी करते हैं, 10 मोबाइल आप अपने ला सकते हो, 2 कोर्स हमने रखे हुए हैं, कोर्स 1 जो सीपीयू लेवल का कोर्स है जो मजे हुए टेक्नीशियन है बस सीपीयू पे काम नहीं कर पा रहे हैं, कोर्स 2 जो वो कोर्स है जिसमें जिनको कुछ नहीं आता जो फ्रेशर है या जो आता है जो नॉर्मली पावर आईसी या यू2 आईसी भी नहीं निकाल पा रहे या निकाल पा रहे हैं पर उनको स्कीमेटिक नहीं आ पा रहा है, फॉल्ट फाइंडिंग नहीं आ पा रही है, लीकेज नहीं निकालना आ पा रहा है, आईफोन एक्स की लेयर निकालना नहीं आ रही है, तो वो सारी चीजें वापस आएंगे। और अगर आप कंप्लीट करना चाहते हो तो हमारा कॉम्बो पैकेज की कोर्स 1 कोर्स 2 ये दोनों पर इसमें हमने बहुत अच्छा एक आपके लिए रखा है कि पहले 15 दिन हम आपको कोर्स 1 सिखाएंगे, फिर नेक्स्ट 1 महीने का एक्सपीरियंस लेंगे, फिर 15 दिन हम आपको कोर्स 2 सिखाएंगे, मतलब 1-15 दिन के अंदर दोनों आगे सीख ही नहीं सकता। मतलब अगर हम बेसिक सिखाए वो पढ़ा है और सीपीयू भी सिखाए ये पॉसिबल है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। अगर पॉसिबल होगा तो फिर आप वही डीलर की कैटेगरी में आएंगे जो हर काम अपना फिर दूसरों को देंगे अभी हम दोस्तों एक नया वीडियो एक देने वाले हैं जिसमें फिरोज सर हम और एक मिलन सर जिसमें हम आपको जो छोटे छोटे कॉमन क्वेश्चंस है वो हम आपको बताएंगे, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं क्या एक्चुअल फीस है क्या टाइमिंग है सारी चीजें हम आपको बताएंगे, वीडियो जरूर देखेगा। फिरोज सर अपने चैनल का नाम बताइए। स्मार्ट टेलीकॉम 1 और फिरोज टेक्निकल 2 चैनल देखिए, यूट्यूब में सर्च करना है स्मार्ट टेलीकॉम 1 और फिरोज टेक्निकल, और एक हमारा दुर्गेश सर का चैनल है स्मार्ट टेलीकॉम। फेसबुक में फिरोज सर बताइए किस तरह से हम अपडेट देते हैं। शेख फिरोज मेरा नाम है, आप सर्च करें तो मिल जाएंगे, वहां पे आपको डेली पोस्ट मिलेंगे जिसमें बहुत सारे सोल्यूशन भी होते हैं, लेकिन अभी हम जो बता रहे हैं वो हमारे स्टूडेंट के लिए बता रहे हैं। वो क्या पोस्ट होते हैं कैसे पोस्ट होते सारे है? जितने भी पोस्ट हम डालते हैं वो यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हमारे सीख के जाते हैं आफ्टर कोर्स वर्क जो कर रहे हैं वो जाके उनका वो पोस्ट हम शेयर करते हैं यहाँ पर, और वही चीज सपोर्ट सिस्टम कहलाता है कि हमारे से आ जाने का। देखिए दोस्तों यहाँ पे हेलो की स्क्रीन आ गई है, चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, जुड़े रहे चैनल से। और मैं एक बार और जरूर कहना चाहूंगा कि वी टीच यू यू फिक्स इट, वी टीच यू यू फिक्स इट। An ISO 9001 and 2008 certified institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission.
9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.